क्लास 12 के बायोलॉजी के दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बस 5 को पढ़ लीजिए, सारा जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपका लड़ जाएगा। ये जो पांचों है ये हर साल पूछता है और इन्हीं पांचों के बीच में पचनमरी आपके प्रश्न आते हैं। सबसे पहली बात समझिए, पहला प्रश्न क्या होता है, पहला जो प्रश्न आता है उसका नाम डीएनए का सचित्र वर्णन करें। देखो मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं, डीएनए का सचित्र वर्णन करने के लिए ये क्लास 12 का जो पचनमरी प्रश्न है उसमें कई बार ये पूछा, कई बार नहीं हर बार आता है कि डीएनए का सचित्र वर्णन करें, ठीक है ना। इनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। दूसरी बात, नर जनन अंग का सचित्र वर्णन करने के लिए पचनमरी में पूछेगा कि उसका चित्र बनाकर उसका सचित्र वर्णन करिए, तो नर जनन अंग भी पचनमरी में हमेशा पूछता है। और तीसरा क्वेश्चन, मादा जनन अंग, ये मादा जनन अंग का भी सचित्र वर्णन करने के लिए क्लास 12 के बायोलॉजी में पूछता है, तो मादा जनन अंग को भी ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद चौथा, डीएनए और आरएनए में पचनमरिया में अंतर पूछता है कि पांच गो पचनमरिया मतलब पांच गो अंतर लिखना है, तो डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मानव शुक्राणु का सचित्र वर्णन करना है, मानव शुक्राणु जो मनुष्य का जो नर का स्पर्म होता है उसका सचित्र वर्णन करने के लिए, ये पांच क्वेश्चन वीवीआई क्वेश्चन है क्लास 12 के लिए। डीएनए का सचित्र वर्णन करना है, नर जनन अंग का सचित्र वर्णन करना है, मादा जनन अंग का सचित्र वर्णन करना है, डीएनए और आरएनए में अंतर स्पष्ट करना है और मानव शुक्राणु का सचित्र वर्णन करना है। ये पांच क्वेश्चन है और 100% मोहर मार देता हूं कि इन्हीं पांचों क्वेश्चन में सबके एग्जाम में आएंगे, अलग से क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इन सबका लिंक, डीएनए का, नर जनन का, मादा जनन का, डीएनए और आरएनए में अंतर, मानव शुक्राणु का, इन सबका जो लिंक है ना मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि ये सब मैं पहले भी तैयारी करा चुका हूं। देखिए आपके एग्जाम में इन पांचों के अलावा कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा, पचनमरिया जो है यहीं से प्रश्न लड़ेगा। अगर ये पचनमरिया क्लियर करते हैं तो यहाँ से बहुत सारे आपका दुनमरिया क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा और बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। तो इन पांचों को जरूर विस्तार से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, विस्तार से पढ़ लीजिएगा, सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर पढ़िएगा आप लोग, ठीक है ना। पढ़ लीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव भी दुनमरिया और पचनमरिया सब क्लियर हो जाएंगे और बहुत ज्यादा यहाँ से क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे, ठीक है। यदि आप मुझसे इंपॉर्टेंट प्रश्नों का नोट लेना चाहते हैं, मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, मुझसे बातें करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर व्हाट्सअप नंबर यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। लेकिन ध्यान इस बात करें कि आपको कॉल नहीं करना, वही व्हाट्सअप पर मैसेज करना है, क्योंकि आपका कॉल नहीं लगेगा। जय हिंद।